अभी सरला जी कह रही हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, तो आप लोगों का शोषण कैसे हो रहा है? सर समय से तनख्वाह भी नहीं मिलती है हमको, और सरकारी घोषित कर दे बस हमको। आपको सरकारी और समय से तनख्वाह मिल जाए? तनख्वाह मिल जाए। काम हमें सर 4 बजे तक लिया जाता है, 9 बजे से 4 बजे तक टीचर भी काम कर रहे हैं, उनको 50,000 मिल रहे हैं, हमको 5,000 रुपये मिल रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के बच्चे एक एक खिलौना 5,000 का खरीदते हैं, हमारे बच्चे 5 रुपये का झुंझुना भी नहीं खरीद सकता उस 5,000 में। और हम जिस तरह नर्सरी में पौधा तैयार होता है उसी तरह देश के बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और उनको यह मिल रहा है कि यहाँ तक दौड़ना पड़ रहा है एमपी को छोड़ के, वो हमारे भाई और मामा जो कुछ भी है वो भी हमारी। सर आपका नाम क्या है? सलीता तवर। क्या जी? सलीता तवर। सलीता तवर जी सर। आप कहाँ से आए? सर हम भी खरगोन से आए, मध्य प्रदेश से। क्या मांगे हैं? सर हमारी मांगे ये हैं कि एजुकेशन के अनुसार महिलाओं की पदोन्नति की जाए, और जो महिला कार्यकर्ता है उसको सुपरवाइजर बनाया जाए, और जो सहायिका है उसको कार्यकर्ता बनाया जाए एजुकेशन सीनेटी के अनुसार। जैसे 1998 में शासन ने एक योजना निकाली थी कि जो कार्यकर्ताओं को 10 साल पूर्ण हो गए उनको सुपरवाइजर के पद पर लिया गया। बहुत सी कार्यकर्ताओं तो सुपरवाइजर बन गई पर हमारे जैसे लोग रह गए, क्योंकि हमारा ऐसा हुआ कि हमारे बोला था कि जिनको 10 साल पूर्ण हो जाए, हमको 10 साल नहीं पूरे हुए थे, 6 महीने बाकी रह गए थे। एजुकेशन पूरी थी आपकी? सर मेरी एमए है। एमए सोशियोलॉजी से? जी सर। जो सुपरवाइजर होते हैं उन्हें एमए सोशियोलॉजी मांगते हैं, और जब आपने जब एमए सोशियोलॉजी से करती है तो डिपार्टमेंट पास आपने अपनी एप्लीकेशन भेजी, तो उसमें क्या आपको बोला कि आपको नहीं रख सकते हम? नहीं, कार्यकर्ता तो हूँ पर पदोन्नति का ऐसा हो गया कि भाई जिनको 10 साल पूर्ण हो गए उन्हीं का हुआ है। हमने सोचा कि 10 साल पूरे होने के बाद हमारा भी हो जाएगा, तो आज 30 साल हो गए सर, हमारा तो कोई पता ही नहीं है ना, तो वो हमको आप तो परीक्षा में भी नहीं बैठ सकते। और फिर क्या कर दिया शासन ने, उम्र का नियम लगा दिया कि 45 से ऊपर साल की महिला परीक्षा में नहीं बैठेगी, 60 साल की महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं रहेगी, उसको हटा दिया। फिर हमने इतने साल तक काम किया उसका क्या हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल तो कुछ नहीं रहा ना। अगर हम शुरू से मजदूरी करते तो इतना पैसा कमा लेते कि हम घर बैठे खा लेते। हमको शुरू में 225 मानदेय मिलता था, उस पर हमने काम किया है, परीक्षाओं दी है, पास हुए, फिर भी हमारा शोषण हुआ, हम पदोन्नति नहीं हुई और ना तनख्वाह बढ़ी। अब मात्र 30 साल में 5,000 है हमारा मानदेय, 5,000 है, तब बताओ हम कैसे क्या करें। हमारा कहना यही है कि मोदी जी हमारी इस बात को सुने, ध्यान दे, और हमारी महिलाओं की मांग पर पूर्ण अधिकार है हमारा, इसको पूर्ण करे, बस हमारा यही कहना है। मतलब एक तरफ मोदी सरकार और आपके एमपी सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ, हाँ। और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हाँ। और आज बेटी इस रोड पर ये भारत की राजधानी दिल्ली पर आप सब लोग आके इकट्ठे हुए हैं, तो ये क्या इनका नारा, ये कामयाब हो रहा है या नहीं? सर अभी तो नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि हमें महिलाओं को नहीं मिल रहा है ना, तो हम तो यही कहेंगे कि हमको तो नहीं दिख रहा है कि हो रहा है काम। थैंक यू।